जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, हम लेकर आए हैं UP SSSC पेट का कोर्स, जो कि आपको पता है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको पता ये भी है कि आपके एग्ज़ाम 18 सितंबर 2022 को होने सुनिश्चित हुए हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि हम देखिए अभी हम लेकर आए हैं संविधान की क्लासें चला रहे हैं, और ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 क्लासें देख ली हैं। आपको बता दें कि पहली बार जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं, या फिर सीधा आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी। देखिए, जैसे आप प्लेलिस्ट पे आते हैं आपको मिल जाएगा ये दोस्तों प्लेलिस्ट कि UP SSSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें UP SSSC पेट के लिए जो भी क्लासेस हैं आपके हिंदी और जी के संबंधित एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा साथियों, अगर और भी किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक GK की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने स्टैटिक GK पढ़ा रखा है। स्टैटिक GK 2022 UP SSSC पेट वीडियो वनरक्षक और पुलिस के नाम से मिल जाएगा। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी आपको पढ़नी है वीडियो और वनरक्षक एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। और साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप पढ़िएगा। यहाँ से पुलिस के लिए हमने दोस्तों एक एक क्रम में बहुत अच्छे से हमने वीडियो लगा रखी है, जरूर देखिएगा एक बार। और साथियों, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो हो, वन रक्षक हो, पुलिस हो, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया है, तो जा करके एक बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए साथियों, हम शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि हमने क्या क्या टॉपिक देख लिया है। देखिए, यह है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो इसमें देखिए, हमने देख लिया पहली क्लास में हमने संविधान के बारे में देखा था, भारतीय संविधान के बारे में। फिर दूसरी क्लास में हमने देखा है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, और तीसरी क्लास में हमने देखा है दोस्तों उसके मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार देखा था। फिर चौथी क्लास में देखिए उसके बाद हमने देखा, चौथी क्लास में देखा क्या देखा था, राज्य के नीति सिद्धांत देखा, और पांचवी क्लास में हमने मौलिक कर्तव्य देखा है। अब साथियों, आज हमारी छठी क्लास है और हम देखने वाले संसदीय प्रणाली के बारे में। देखिए, संसदीय प्रणाली बहुत ही लंबा टॉपिक है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के आसार हर एक एग्जाम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेट के लिए ही समझें। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे साथियों, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं संसदीय प्रणाली की, संसदीय प्रणाली होती क्या है। देखिए, संसदीय प्रणाली के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके आगे जान लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली से पहले हम एक चीज़ समझते हैं साथियों कि सबसे पहले शासन देखते हैं। देखिए, शासन के तीन अंग होते हैं, शासन करने के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं साथियों, तो विधायिका, कार्यपालिका व फिर न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका होगी, ठीक है, किसी राज्य की विधायिका होगी, फिर वहाँ कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। अब सोचेंगे सर, विधायिका क्या है, क्या है विधायिका क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा सर कि विधायिका क्या होती है, जो कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और कार्यपालिका क्या होगी, जो कानून बनेंगे ना विधायिका द्वारा, उनका पालन करवाएगी, ठीक है, उनको लागू करवाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्यपालिका। और साथियों, न्यायपालिका क्या होती है, अगर दोनों में भिड़ंत होती है, ठीक है, या फिर कोई और अन्य मामला आता है जिसमें दोस्तों कोई उलझा हुआ मामला आता है, उसमें क्या न्याय दिलाने काम किसका होगा, न्यायपालिका का। तो समझ गए होंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, विधायिका क्या होती है, हमने बताया कि विधायिका देखिए लोकतांत्रिक सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करती, कानून का निर्माण करती, वो क्या होती है, विधायिका। ठीक है, और आपको ये चीज़ें पता होंगी कि कानून के निर्माण दो स्तर पे होते हैं, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्र स्तर पे। जो केंद्र स्तर पे बनाता है दोस्तों, जो केंद्र स्तर पे कानून का निर्माण होता है वो संसद करती है, और जो राज्य स्तर पे होती है वो विधानमंडल करती है, और यही संसदीय प्रणाली आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, मगर समझिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो याद रखना है विधायिका क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार का वह भाग जो कानून का निर्माण करती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। और विधायिका को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हम केंद्र स्तर पर और एक हम राज्य स्तर पर साथियों, और राज्य स्तर पर समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो केंद्र स्तर पर विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं, इसके तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीन चीजों से मिलकर बनती हमारी संसद केंद्र स्तर वाली।
उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी क्या होता है, राज्य स्तर की जो विधायिका होती साथियों उसको हम कहते हैं विधानमंडल, और ये विधानमंडल भी तीन चीजों से मिलकर बनेगी, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, देखिए हर राज्य में जरूरी नहीं कि विधान परिषद हो, मगर विधानसभा जरूर होगी। और विधान परिषद साथियों केवल केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किन राज्यों में विधान परिषद है, और जहां पर विधान परिषद होगी उन राज्यों में बोलेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, आपको पता है कि लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, देखिए लोकसभा जैसा कार्यकाल यहाँ पे विधानसभा का होता है, क्योंकि यहाँ पता है कि इसकी न्यूनतम एज कितनी होगी, यहाँ के लोगों की न्यूनतम एज कितनी होगी दोस्तों, तो 25 साल। ठीक है, 25 साल लोकसभा की संसद में, और वहीं विधानमंडल में विधानसभा के भी सदस्यों की न्यूनतम एज कितनी होगी, 25 साल। और राज्यसभा में दोस्तों 30 साल होती है, और यहाँ विधान परिषद के सदस्यों की कितने साल, 30 साल होगी। और यहाँ पे राष्ट्रपति कितने साल होनी चाहिए, 35 साल कम से कम एज, और उसी तरह राज्यपाल की भी 35 साल ही एज होगी। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए लोकसभा क्या होता है, 5 साल के लिए होती है दोस्तों, 5 साल के लिए, और राज्य उसी तरह विधानसभा राज्यों में ये भी 5 साल के लिए होगी। अब देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि इसके 2/3 सदस्य हर साल क्या होते हैं, मतलब कि आते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती। ठीक है, और उसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति जैसे होता है कि देखिए ये राष्ट्रपति का करता हस्तक्षर करता है, कोई बिल आएगा हस्तक्षर करेगा। ठीक है, वो मेन होता है। ठीक, बिना इसके हस्तक्षर के कोई भी चीज़ क्या होगा, कोई भी चीज़ दोस्तों कानून नहीं बनेगा। उसी प्रकार से राज्य में दोस्तों राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर सबकी एज की बात करें, इसकी 25 साल, लोकसभा सदस्य की 25 साल न्यूनतम, और विधानसभा की 25 साल, उसी प्रकार से राज्यसभा 30 साल और विधान परिषद की 30 साल, और राष्ट्रपति की कितनी, 35 साल, और इसकी राज्यपाल के भी 35 साल। तो समझ गए होंगे विधायिका क्या होती है। विधायिका को हम दो भागों में बांटेंगे, जो कानून का निर्माण करेंगे। आपको पता है यहाँ कानून का निर्माण होगा जो पूरे देश में लागू होगा, और यहाँ पे जो निर्माण होगा वो केवल राज्य में लागू होगा। ठीक है, समझ गए। कानून का निर्माण कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। कौन कौन स्तर पर? केंद्र स्तर पर। कौन करेगी? संसद करेगी। और साथियों विधानमंडल कहाँ करेगी? राज्य स्तर पर। ठीक है, अब साथियों कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो कार्य को करवाती है साथियों। ठीक है, अब देखिए सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाएगा। देखिए अब मान ले दोस्तों विधायिका ने कानून बना दिया, अब लागू कौन करेगा, लागू कौन कराएगा? तो साथियों आपको पता है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, या फिर मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, है ना, और दोस्तों जो भी चीज़ें हैं महान्यायवादियों, ये सब चीज़ें क्या कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका क्या करेगी, वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाएगी। ठीक है, और न्यायपालिका हमने बताया। अब देखिए कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। मतलब जो कानून बनेंगे उसी के हिसाब से जो कार्य करेगी उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। और आपको बता दें कि कार्यपालिका व विधायिका के मध्य किस प्रकार का संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर दोस्तों इसका संबंध दो तरीके से है। इस आधार पर दोस्तों आपको पता है कि देखिए कार्यपालिका और जो विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध होता है वो मुख्यतः दोस्तों किसी भी देश में मुख्यतः दो प्रकार की सरकारें पाई जाती। पहला है अध्यक्षीय सरकारें और दूसरा संसदीय सरकार है। देखिए अध्यक्षीय सरकारें क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पर साथियों क्या होता है, यहाँ पर सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, उसे ही अध्यक्ष कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, याद रखेंगे किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास मतलब जो भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास होंगी। ठीक है, वहाँ लगभग दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम तक लोग नहीं जानते। ठीक है, मतलब बाहरी लोग, जैसे हमें पता है कि अमेरिका में दोस्तों राष्ट्रपति होता है मेन पावर में। ठीक है, समझ गए ना, जैसे आपको पता होगा है ना बाइडन जी, है ना, श्रीलंका में राष्ट्रपति होता है, वैसे यहाँ सब इस्तीफा देकर निकल चुके हैं। ठीक है, रूस में साथियों राष्ट्रपति पुतिन। ठीक है, ब्राजील में दोस्तों राष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों मेन पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति, उसे हम बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, अब दोस्तों मगर हमें पढ़ना क्या संसदीय प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, और यही टॉपिक में दिया गया, हम यहाँ तक आने के लिए अभी तक बताए हैं। अब समझ में आएगा कि देखिए संसदीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें दोस्तों आपको पता है, इसमें आपको बता दें कि संसदीय प्रणाली में दोस्तों दो तरीके कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक।
देखिए नाम मात्र क्या होगी, तो नाम मात्र कार्यपालिका किसके अंतर्गत होगी दोस्तों, तो राष्ट्रपति को हम नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष बोलेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति का तो नाम मात्र का होता है, ठीक है, जबकि सारी पावर किसके पास होती है संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री के पास, जैसे अपने भारत में, ठीक है। सबसे ज्यादा दोस्तों शक्तियां किसके पास होंगी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास, ठीक है, सारी शक्तियां दोस्तों। राष्ट्रपति नाम मात्र का दोस्तों कार्यपालिका का सदस्य होता है या फिर मुखिया होता है, ठीक है। देखिए यानी हम कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष में क्या होता है, मेन मुखिया कौन होगा, तो मेन मुखिया दोस्तों आपका राष्ट्रपति होगा। मगर दोस्तों संसदीय में क्या होता है कि नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होगा, जबकि दोस्तों मुख्य रूप से या वास्तविक मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए संसदीय प्रणाली की बात करें, देखिए संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां दोस्तों मंत्रिमंडल में निहित होती, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कि कोई भी काम होता है, ठीक है, उस पे दोस्तों दोषी कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्योंकि साथियों को पता, जैसे मान लिया कि कोई भी चीज आएगा, कोई बिल आएगा, जबकि पास कौन करता, राष्ट्रपति, मगर साथियों नाम किसका आता है, प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होती है, वही दोस्तों कुछ भी करता वो वही मेन होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का होता है आपके संसदीय प्रणाली में दोस्तों, मेन मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए अब साथियों कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया, यानी संघीय कार्यपालिका क्या होती है, कि संघीय कार्यपालिका में कितने कितने लोग आएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये याद रखना कि पूछेगा कि संघीय कार्यपालिका में दोस्तों कौन कौन से लोग आते हैं, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन, संघीय कार्यपालिका कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों, कौन इसका हिस्सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन होगा इसमें। तो पहली चीज दोस्तों संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आएगा आर्टिकल 52, फिर उपराष्ट्रपति आएगा आर्टिकल 63, फिर मंत्रिमंडल आएगा दोस्तों आर्टिकल 74, और प्रधानमंत्री आएगा आर्टिकल 75, और महान्यायवादी आर्टिकल 76। साथ ही ये देखिए ये संघ की कार्यपालिका है, अगर देखिए राज्य की पूछ लेना, राज्य की कार्यपालिका, तो आपको यहीं पे याद रख लेना है। वैसे हम समझाते हैं, मतलब इसमें कोई आपको संसदीय वो नहीं आएगा राज्य वाला, ठीक है, तो समझना है। राष्ट्रपति जैसे राज्य में होता है, वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता है राज्यपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति जैसा वहाँ कुछ रहता है, ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल वहाँ पे होगी, मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जैसा दोस्तों सीएम हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री, और महान्यायाधीश महाधिवक्ता हो जाएगा दोस्तों, महाधिवक्ता। तो ये हो जाएंगे राज्य की कार्यपालिका के हिस्सेदारी, मतलब हिस्सा लेने वाले व्यक्ति। और दोस्तों संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से बारे में पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हम दोस्तों, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम देखेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उनको देखते हुए चलेंगे। देखिए पहली चीज़ क्या है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का होगा राष्ट्रपति दोस्तों, किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 52 में। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों किस आर्टिकल में बताया गया, तो आप तुरंत कहेंगे साथियों किसमें बताया गया है, 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति पद की स्थापना के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आएगा 53, आर्टिकल 53 का कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें क्या बताएगा, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करके या स्वयं अपने अधीनस्थ द्वारा दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुसार कर सकेंगे, ठीक है। मतलब आपसे पूछेगा कि नियुक्ति कौन करता, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 54 का कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब आपसे पूछेगा निर्वाचन मंडल क्या होता है, देखिए निर्वाचन मंडल वो होता है जिसमें जो जो लोग दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उसे हम निर्वाचन मंडल बोलते हैं। कौन कौन से लोग भाग लेंगे, तो आपको बता दें, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए अब निर्वाचित और मनोनीत दो होते हैं। मनोनीत देखिए केवल और केवल राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत कर किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसी तरह से विधानसभा के दोस्तों सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा दोस्तों जो आपका यूनियन टेरेटरी है दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के विधानसभा के दोस्तों सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और इसे जोड़ा गया था 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, याद रख लेंगे। चलिए
अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो बताते हैं राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। तो ये देखिए आपको याद ही रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछाएगा, ठीक है। बस ये रख लें किस प्रकार से होगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। चलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो राष्ट्रपति कार्यकाल दोस्तों वैसे 5 वर्ष का होता है, मगर साथियों उसके पहले अगर वो चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा। याद रखेंगे राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देगा दोस्तों, तो यानी एक दूसरे को ये त्यागपत्र दे सकते हैं, ये आपको याद कर लेना है। यानी राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, 5 साल के होगी साथियों, मगर उससे पहले भी अगर वो त्यागपत्र देना चाहते दे सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला है 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता, ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मगर ऐसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है। आप मरते दम तक बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, वो आपके ऊपर है कितनी बार आप बनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला है 58 नंबर कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसके अंदर अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता साथियों, राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है, तो उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कम से कम लोकसभा सदस्य के चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, मतलब कम से कम वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। जो लोकसभा सदस्य की दोस्तों अर्हताएं होती वो पूरा कर ले, और कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, कम से कम एज कितनी होगी उसकी 35 साल, उससे कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब देखिए राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है वो साथियों बताया गया है, और आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दोस्तों कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दोस्तों राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी दोस्तों सैलरी कितनी है, तो अभी दोस्तों वर्तमान की बात करें 5 लाख रुपए, क्या है 5 लाख रुपए दोस्तों इसकी सैलरी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसकी सैलरी कितनी है 5 लाख रुपए, ठीक है, राष्ट्रपति की सैलरी क्या है 5 लाख रुपए। अब देखिए जब राष्ट्रपति रिटायरमेंट होगा ना, मान लिया आप कोविंद जी देखिए रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो दोस्तों कोविंद जी को फिर कितना मिलेगा, फिर 2.5 लाख रुपए दोस्तों पर महीना मिलेगा, कितना लाख 2.5 लाख रुपए इनको पर महीना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, हमेशा मिलता रहेगा। देखिए अगर कोविंद जी की दोस्तों मृत्यु हो जाएगी, देखिए सपोज ऐसा तो होगा ही कभी ना कभी, देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी बीबी को दोस्तों कितना मिलेगा, इसका भी आधा यानी 1,25,000 उनकी बीबी को मिलता रहेगा पेंशन के रूप में, समझिए 5 लाख अभी वर्तमान में, जब रिटायरमेंट होंगे 2.5 लाख यानी 5 लाख का आधा 2.5 लाख, फिर दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाएगी इनकी बीबी को भी मिलेगा, वो कितना पेंशन मिलेगा 1,25,000, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आर्टिकल 60 में क्या है शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, या उनके अनुपस्थित में दोस्तों उपलब्ध दोस्तों जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा, मतलब कि जितने भी दोस्तों देखिए पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, मान लिया दोस्तों आज अब जो इलेक्शन होगा कोई जीतेगा, चाहे यशवंत सिन्हा जी जीतेंगे या फिर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे, अब इनमें से दोस्तों जो भी जीतेंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो एनवी रमन्ना जी दिलवाएंगे, क्योंकि यही है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये शायद मान लिया नहीं होते तो दोस्तों जो भी होंगे ना, आपको पता है कि टोटल जितने भी जज होते हैं, ठीक है, 23 और होंगे, तो 23 में से दोस्तों जो मतलब वरिष्ठता मतलब कि ज्येष्ठता मतलब का जो थोड़ा सा एजर होगा दोस्तों वही दिला देगा, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं, वैसे मुख्य न्यायाधीश या फिर दोस्तों वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो, ठीक है। चलिए अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, देखिए राष्ट्रपति महाभियोग क्यों चलाया जाता है, जब दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो उसके ऊपर महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया साथियों कहाँ से ली गई, अमेरिका से, ठीक, अमेरिका के संविधान से ली गई। आपको पता है कि अमेरिका में एक लोग थे डोनाल्ड ट्रंप, अभी पिछले वाले है ना, डोनाल्ड ट्रंप पे एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिन पर 2 बार महाभियोग लाया गया था, ठीक है, वैसे पास नहीं हुआ था मगर लाया गया था, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज बता दें, अगर अपने यहाँ किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा तो उसके 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व पहले राष्ट्रपति सूचना देनी जाती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व महाभियोग जैसे आज लाना है तो आज से 14 दिन पहले उनको हम राष्ट्रपति बता देंगे, ठीक है, समझ गए ना, कि भैया राष्ट्रपति जी आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, आप बच सको तो बच लो, ठीक है, तो ऐसा उनको बताना पड़ेगा कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से लाया जाएगा, है ना, लोकसभा या राज्यसभा, तो दोस्तों किसी भी सदन से ले आओ, समझिएगा कि यह संसद यह प्रक्रिया संसद किसी भी सदन से हो सकती है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस संसद से चलाया जाता है, दोस्तों किसी भी संसद से, देखिए आएगा दोनों से मगर पहले किससे, तो कोई भी संसद, चाहे पहले लोकसभा से लेकर जाओ चाहे पहले राज्यसभा से, ठीक है। और आपको बता दें कि अभी तक दोस्तों भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए
62 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की समय और रीतियां। मान ले दोस्तों कि राष्ट्रपति ना हो, ठीक है, तो फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ें बताई गई। देखिए, मान लिया राष्ट्रपति कब कब हटेगा, आपको पता है तो राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, कहीं विदेश चले गए विदेशी यात्रा पर, ठीक है, या फिर साथियों बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार हो गए, या फिर साथियों उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उन्होंने स्वेच्छा से पद त्याग दिया, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और मान लिया उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समझिएगा, देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले साथियों अभी कोविंद जी हैं, अब कोविंद जी इस्तीफा दे दें, कोविंद जी इस्तीफा दे दें तो दोस्तों कौन बैठेगा, वेंकैया नायडू जी संभाल लेंगे। अगर वेंकैया नायडू जी भी चले जाएं कहीं, या फिर इस्तीफा दे दें फिर किसी भी कारण से, तो फिर कौन संभालेगा, एनवी रमन्ना जी, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसका पदभार संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी न्यायाधीश संभालेगा। और एक बार ऐसा हो चुका है, हिदायत उल्ला खां जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था, वो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? हिदायत उल्ला खां, ठीक है, हिदायत उल्ला खां। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे। देखिए पहली चीज़, संघ के प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री करेगा और प्रधानमंत्री सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं ना, प्रसाद पर्यंत मतलब जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ठीक है। चलिए फिर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये भी राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारत के महान्यायवादी की दोस्तों नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और ये प्रसाद पर्यंत काम करेगा, महान्यायवादी। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, यानी CAG CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। SC व ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराएगा, राज्य, वो भी राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी दोस्तों राष्ट्रपति। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इतने लोगों की नियुक्ति लगभग राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अब राष्ट्रपति संबंधित कुछ चीज़ें देख ले हम कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए पहली चीज़, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पूछेगा सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने दोस्तों, वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला खां। और हिदायतुल्ला खां हमने बताया था दोस्तों, ये 11वें मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका भी मिला था। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आएगा कि दूसरी मतगणना में जीतने वाले दोस्तों व्यक्ति कौन थे, तो वीवी गिरी। दोस्तों आपको पता द्वितीय मतगणना हुई थी, पहली मतगणना में ये नहीं रिजल्ट आया, फिर द्वितीय मतगणना में जीते थे वीवी गिरी, ठीक है। और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। अगला है, आपसे पूछेगा वीटो पावर का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो ज्ञानी जय सिंह क्या है, वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु किसकी हुई थी, तो साथियों पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई, तो दो राष्ट्रपति ऐसे जिनकी दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों यही फखरुद्दीन अली अहमद था जिन्होंने आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी पे कहने पर 1971 में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति से पूर्व दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, वो दोस्तों राष्ट्रपति से पहले वो लोकसभा अध्यक्ष भी थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण दोस्तों प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी। कौन? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। और जनता के राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जनता के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति के बारे में, देखिए राष्ट्रपति के बारे में अब देखिए एक चीज और बता दें कि Article 72, ठीक है, इसी वक्त Article 72 भी देख लीजिए। देखिए Article 72 में क्या है कि क्षमा दान शक्ति, मतलब राष्ट्रपति दोस्तों क्षमा कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है और दोस्तों कोर्ट मार्शल के दंड को भी माफ कर सकता है, ये चीज याद रखेंगे Article 72 में। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति किसमें, Article 63 में है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है,
और आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये 64 में कहा गया है। आपसे पूछेगा कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। मगर साथियों एक व्यक्ति होता है राज्यसभा का जो कि उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसका कार्यकाल केवल 5 साल का होता है, तो जो कि क्या होता है राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य। आपको पता है कि जब राष्ट्रपति पद पे नहीं होगा तो उसका काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और उपराष्ट्रपति के ना होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ये हम पहले बता चुके हैं। अगला है कि 66 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कौन से थे, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, और विधानसभाओं के जो सदस्य थे, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य थे ना। मगर साथियों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, यहाँ पे मनोनीत और निर्वाचित सभी ले लेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब देखिए उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, परंतु दोस्तों समय से पहले वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देगा। अगला है 68 का, कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अब देखिए अगर उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब उपराष्ट्रपति शपथ देख लेते हैं। 69 में बताया गया उपराष्ट्रपति का शपथ। देखिए 60 में राष्ट्रपति का शपथ है और उपराष्ट्रपति का 69 में। चलिए उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों जिनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, अध्यापक दिवस, है ना, अध्यापक दिवस, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो दो ही व्यक्ति हुए जो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे दोस्तों हामिद अंसारी, ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ऐसे व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय तीनों पदों पर दोस्तों आसीन हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर दोस्तों ये कार्यरत हुए हैं, कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान जी। चलिए अब दोस्तों 70 में क्या है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। दोस्तों आपको पता है कि आपातकाल के समय दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको दोस्तों निलंबित कर सकता है, ये हमने बताया था। और 20 व 21 को छोड़ के वो हमने मौलिक अधिकार वाले में पहले से ही पढ़ा रखा आपको, ठीक है। चलिए 71 का कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दोस्तों, ठीक है, और इस पे दोस्तों कोई विवाद होता है तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। 72 में क्षमा दान सकती है, पहले हम बता चुके हैं। और 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताएगा, ठीक है। चलिए उपराष्ट्रपति देख लिया, अब प्रधानमंत्री देखते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री शुरुआत कहाँ से हुई, 74 से, समझिए। देखिए 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए 75 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध। देखिए मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इंपॉर्टेंट है। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर से कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखिए पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री देखिए लिस्ट देगा कि भैया इनको इनको आप क्या करिए, नियुक्त कर दीजिए, कोई किसी को क्या बनाना है, वित्त मंत्री बनाना है, किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री, वो कौन देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आपको बता दें मंत्रिमंडल जो है दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। चलिए 76 में दोस्तों महान्यायवादी है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 76 में महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी क्या होता है, ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। देखिए अब मानिए दोस्तों भारत सरकार के ऊपर कोई केस होगा ना, तो वो कौन लड़ेगा, वो प्रथम विधि अधिकारी लड़ेगा, ठीक है, के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए और इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है, किसकी, भारत के महान्यायवादी का। तो पूछेगा भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो महान्यायवादी होता है। सर 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य संचालन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों राष्ट्रपति को हर तरह की जानकारी कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा, ये 78 में कहा गया है। चलिए अब देखिए प्रधानमंत्री संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री संबंधित कुछ चीज़ें, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। देखिए वो लोकसभा से आ सकता है और राज्यसभा, तो लोकसभा से आगे साथ ही कितने साल, 25 साल में कम से कम आ जाएगा। और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, दोस्तों आपको पता होगा
ठीक है, 1977 में ये बने थे, ठीक है। और सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और सबसे कम समय के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। और आपको पता होगा कि अटल बिहारी का जन्म दिवस पड़ता है दोस्तों 25 दिसंबर को, जिस दिन हम सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। चलिए अब देखिए संसद देख लेते हैं दोस्तों, संसद, ठीक है, संसद भी देख लेते हैं क्योंकि संसदीय के बारे में बात किया है, तो संसद देखते हैं। देखिए संसद किससे मिलकर बनेगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए किस किस अनुच्छेद में है, तो आप याद कर लें सरला। देखिए सरला से क्या होगा? सरला, ठीक, 79, 80 और 81, ठीक है। 79 में सा से संसद हो जाएगा, और आर्टिकल 80 में क्या होगा? रा से राज्यसभा, और 81 में क्या हो जाएगा? ला से लोकसभा। तो 79, 80, 81 क्या हो जाएगा? सरला, ठीक है। चलिए अब देखिए लोकसभा किसमें है, तो दोस्तों लोकसभा किसमें है, चलिए अब देखिए संसद, पहली चीज 79 में क्या? संसद, संसद गठन के बारे में बताया गया। फिर 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। देखिए 80 में क्या है? राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा गठन कब हुआ था? 1952 में, याद रखेंगे राज्यसभा गठन कब हुआ? 1952 में। और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? तो 250 हैं, मगर वर्तमान में दोस्तों कितने? 245 ही हैं। क्या हैं? अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? 250, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। अब आपको बता दें कि 223 राज्यों की विधानसभा से तथा 12 राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं, कहाँ पे? राज्यसभा में। और ये साथियों एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन। और सदस्यों की न्यूनतम एज कितनी होगी साथियों? तो 30 साल होगी। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ सदस्य का कार्यकाल लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो 6 साल का होगा। मगर साथियों जो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। तो राज्यसभा के बारे में समझ गए होंगे कि स्थापना 1952, अधिकतम सदस्य 250, और वर्तमान में 245, और कितने? देखिए 233 क्या होंगे? राज्यों की विधानसभा से आएंगे, और 12 मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, और यह स्थायी सदस्य है, सदन है। और सदस्यों की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य, यहाँ पर सदस्य लिख लीजिएगा, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? हर 2 साल में निकल जाते हैं ना, और नए आ जाते हैं, ठीक है। चलिए और राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। चलिए और एक तिहाई सदस्य क्या होता है? हर 2 साल सेवानिवृत्त होंगे, मतलब निकल जाएंगे। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। चलिए उसका लोकसभा दोस्तों किसमें है? तो 81 में। देखिए अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 550। देखिए पहले 552 थे, जो 2 सदस्य थे उसको हटा दिएगा, आंग्ल भारतीय वालों को आगे बात करेंगे। देखिए वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। और देखिए जो 550 है ना, उनमें साथियों को बता दें कि क्या होगा, देखिए 525, देखिए वर्तमान जो 543 हैं उससे 525 देख सकते हैं दोस्तों राज्यों की जनता द्वारा चुने गए, और 9 देखिए राज्यों की जनता कहाँ से, और 19 दोस्तों कहाँ से? केंद्र शासित राज्यों से। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितने सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो 19 दोस्तों, ठीक है, 19 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। आपको पता है 8 प्रदेश हैं, वहां से 19 सदस्य आते हैं, और बाकी 524 राज्यों से। यह अस्थायी सदन है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, और यहाँ के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो 25 साल होगी। और आपको बता दें कि पहले 550 और प्लस 2 सदस्य होते थे, जो कि 2 सदस्य कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, आंग्ल भारती, जो कि इसको दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए अब लोकसभा के बारे में बात कर लें, तो देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर जी हैं, ठीक है, थीके? और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार जी हैं। और सबसे अधिक बार दोस्तों, सबसे अधिक समय तक कौन बने हैं? तो बलराम जाखड़। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति रहा हो, नीलम संजीव रेड्डी, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे साथियों, संयुक्त अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, 108, देखिए आपसे पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन किसमें दिया गया? आर्टिकल 108 में। अब आपसे पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन के लिए, और अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और साथियों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी जांच कौन करता? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन देखिए वन लाइनर बन जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए अब 83 में क्या कहा है? सदनों के, संसद के सदनों की अवधि आपको हमने बता दिया कि कौन से सदन की कितनी अवधि होती है। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, ठीक है। और 85 में सत्र का, देखिए संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 87 में क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, क्या होता है? अभिभाषण दोस्तों, ठीक है। चलिए और दोस्तों अब ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, तो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो साथियों आपको हो सकता है आपको अच्छा लगा हो,
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए केवल ये देख लेते हैं 108 नंबर। देख कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला जी अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया। तो देखिए जब कोई दोनों में दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो दोनों सदस्य सदन एक साथ बुलाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन एक साथ आएंगे तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और उनमें दोस्तों उनको बुलाता कौन है कि दोनों लोग आइए? राष्ट्रपति जी, महामहिम महोदय राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों ये हुई आज की क्लास, और आपको बता दें कि ये है आपका प्लेलिस्ट UP SSC PET 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। इस पर जाकर के आप पूरी क्लासेस ले सकते हैं।